सड़कों पर आवारा घूमने वाले जानवरों के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक बैठक का आयोजन वेटरनरी कॉलेज में हुआ। सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के कारण आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता है, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। आप घर से बाहर निकलेंगे, आपको चारों ओर सड़कों पर यही आवारा पशु बैठे दिखाई दे जाएंगे, या फिर किसानों की फसलों को बर्बाद करते इनको देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक 15 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसकी आज पहली मीटिंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय और अनुसंधान विश्वविद्यालय में मथुरा में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसके बारे में जानकारी देते हुए कुलपति ने बताया कि निराश्रित और जो बेसहारा पशु हैं, विशेष रूप से ऐसे गौवंश एक बहुत बड़ी समस्या है। इनमें से ज्यादातर पशुओं की संख्या ऐसी है जो पशुपालक इनका दूध निकालने के बाद उनको छोड़ देते हैं, उसके बाद यह सड़कों पर दूसरों को चोटिल भी करते हैं और खुद भी चोटिल होते हैं। और इतना ही नहीं, ये आवारा पशु किसानों की फसल में नुकसान पहुंचाते रहते हैं। निराश्रित और बेसहारा जो पशु हैं, विशेष रूप से जो गौवंश है, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बेसहारा निराश्रित पशु या गौवंश वो हैं जिनको किसान या पशुपालक सड़कों पर छोड़ देते हैं या फिर गाँव में छोड़ देते हैं, और ये पशु सड़क पर आकर खुद को भी चोट पहुंचाते हैं, साथ ही साथ पशु मानवों को भी चोट पहुंचाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी गंभीर समस्या ये भी हो रही है कि ऐसे निराश्रित पशु जो हैं वो किसानों का बहुत बड़ा खेतों में नुकसान कर रहे हैं। तो ये समस्या जब पशुपालकों की तरफ से, किसानों की तरफ से राज्य सरकार के लिए के दिमाग संज्ञान में लाई, तो माननीय मुख्यमंत्री जो कि हमारे प्रदेश में गौ पशुओं के संवर्धन और संरक्षण के कार्य का स्वयं जो है निरीक्षण करते हैं, उन्होंने एक आदेश जारी करवाया है शासन की तरफ से कि निराश्रित और पशुपालन और जो निराश्रित और जो बेसहारा पशु हैं उनको किस तरह से उनका संवर्धन संरक्षण इस तरह से किया जाए कि उनका जो समस्या है वो निराकरण हो। और इसके लिए एक मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। उस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, आज पहली मीटिंग हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में की जा रही है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक ललितपुर मॉडल है, ललितपुर मॉडल में जो है अन्ना प्रथा, जैसे सब जानते हैं कि बुंदेलखंड में बड़ी भारी समस्या है, तो उस मॉडल को हम स्टडी कर रहे हैं। उस आधार पर हर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही एक मॉडल क्रिएट किया जाए जहाँ इन निराश्रित और बेसहारा पशुओं को रखा जाए, गौवंश को रखा जाए। साथ ही साथ खाली रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसको हमें सस्टेनेबल बनाना है, इसको हमें इसकी इकोनॉमी भी देखनी पड़ेगी कि पशु चारा खाता है, गौवंश चारा खाता है, तो उसको पंचगव्य के ऊपर, उनके गोबर के ऊपर, उनके मूत्र के आधार पर भी इसकी इकोनॉमिक्स को जोड़ते हुए इस आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। आज ये पहली मीटिंग है और हम बहुत जल्दी अपनी जो अनुशंसा हैं वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस समस्या से हमारे जो प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है इससे निजात पाया जा सके।